हमने भी ये भी किया था, कैसे डाउनलोड मोड पर डालना है। सबसे पहले पावर 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 क्योंकि एक ये भी बता दो कि कस्टमर एक लॉक फोन दे सकता है। सर अगर ऐसे लॉक फोन होगा तो सबसे पहले मैं पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को एक साथ दबाऊंगा। हाँ इसको 10 सेकंड दबा के रखना है। हाँ और जैसे ही फोन रिस्टार्ट पे आएगा मैं वॉल्यूम डाउन को हटा के वॉल्यूम अप पे रख दूंगा। वेरी गुड, मतलब इस तरह से हम इसको रिकवरी मोड पे आ जाएगा। रिकवरी मोड से जैसे ही आया इसको हम पावर ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए तो हम इसको जिग से भी कर सकते हैं फ्लैश मोड में। वेरी गुड। और नॉर्मली नेपाल में कंट्री अनलॉक फोन बहुत ज्यादा आते हैं, कंट्री लॉक फोन। सो उस फोन को अनलॉक करने के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं? उस फोन को एक होगा गेट 3X। हाँ उसके बाद सैम की कैसा चलाते हैं पूरा तरीका बताए आपको। पूरा तरीका सैमकी में क्या क्या क्रेडिट कहाँ से परचेस करना है, टूल कैसे रन करना है, कौन से मोड में कनेक्ट करना है, ये आपको नॉलेज है। और जैक 3X में भी आपको किस तरीके से मैंने बताया आपको कि किस तरीके से अगर हमारे पास जैक 3X रहा बॉक्स तो हम कंट्री लॉक कर सकते हैं। क्या सर कि बिजी सर हमेशा बिजी रहते हैं सर। बिजी रहते हैं और यहाँ पर कुछ 10-15 आंटियां तो नहीं बिठा के रखी है? पक्का हमारा क्लास चलता है सर, इसमें डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें से कितने लोग हैं जो मेरे को 1-2 महीने से कॉल कर रहे हैं और जिनका नहीं लगा जो अभी आए यहाँ पर? सर मेरे 6 महीने से कॉल नहीं लगा। ए बंगल में अगर तुम एक जानवर हो, तुम कौन सा जानवर समझते हो अपने आप को? शेर समझते हो? सब लोग शेर समझते हैं क्या जंगल में? कोई यहाँ पर बंदर तो नहीं है ना यहाँ पर? तो शेर की दहाड़ क्या होती है, 1.5 किलोमीटर तक आती है ना? तो यहाँ पे हम दहाड़ के साथ में यहाँ पे एक साथ में क्या बोलेंगे बताइए? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? फ्लैश इमेज लोडर। वेरी गुड। क्वालकॉम क्यू फिल, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यू फिल जो आ रहा है सो यहाँ पर फर्मवेयर में कौन कौन सी फाइल मिलेगी आपको? फर्मवेयर में सर एक एमपीएन फाइल मिलेगी और एक रॉ एक पैच। रॉ और एक पैच। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर एमबीएन और रॉ और पैच, रॉ फाइल रॉ जो फाइल होती है उसमें एक ही रॉ होती है कि बहुत सारी रॉ होती है? और भी हो सकती है रॉ। सो अगर मैं आपसे यहाँ पर कि कौन सी रॉ को सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ पर, रॉ प्रोग्राम उसमें से कौन सी वाली रॉ? क्यूसीएन वाली। अगर मान लो वो नहीं हुई तो कैसे पता चलेगा कि हो सकता है डेड हो जाए फोन? हम वो मेरे से कर सकते हैं या यूएमटी से, उससे ये हम क्या कर सकते हैं मेडिकल यूएमटी से रॉ प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? सर उसको चेक कर सकते हैं कि वो पूरी सही है कि नहीं है। और पैच फाइल भी तो 2 आ सकती है, तो कौन सी पैच लेनी चाहिए? पैच सर 0 वाली। 0। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कौन से किस किस टूल के साथ क्वालकॉम फ्लैश हो जाता है? सर यूएमटी से हो जाएगा, मेडिकल से हो जाएगा या फिर क्यूफिल से। किससे करना चाहिए सबसे बेस्ट? सर यूएमटी। रीजन बताइए। सर वो आईएमई नहीं जाएगा। आईएमई नहीं जाएगा, कोई सी भी फाइल होगी सर। और सर पैच फाइल का भी लफड़ा नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट ले लेता है यहाँ पर। कौन से मोड से फ्लैश होगा? सर ईडीएल मोड से फ्लैश होगा। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज बताई इन्होंने, थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं एमआई, एमआई के फर्मवेयर में कौन से 2 सीपीयू आ सकते हैं? एमडी के आया तो क्या फाइल एक्सपेक्ट करते हो? सेम स्कैटर। अगर बिन फाइल आता है तो बिन फाइल तो एक रीड की हुई फाइल होती है ना, तो उसको फ्लैश किस मोड से करूं, मतलब कौन से टूल से करना होगा? वेरी गुड, मेडिकल से कर सकते हैं। अगर पर क्वालकॉम का फाइल आया, एक आपका एमआई का फोन है और क्वालकॉम का एक सीपीयू है, सो उसमें फाइल कौन सी आ सकती है? डॉट टी जी जेड। डॉट क्या आएगी? डॉट टी जी जेड। उसके अंदर कौन सी फाइल आएगी? एक फोल्डर बनेगा इमेज, एक कौन सा फोल्डर बनेगा? इमेज। ये देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? ठीक है, एक इमेज, उसके अंदर वही क्वालकॉम की फाइल आएगी और इमेज के बाहर कौन सी फाइल आएगी? फ्लैश फाइल, बैच फाइल आएगी। जो कौन से टूल में यूज कर सकते हैं? एमआई फ्लैश टूल में यूज कर सकते हैं। एक एमआई के फोन को किस किस टूल के साथ फ्लैश कर सकते हैं? यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आओ कि किस टूल के साथ में सबसे बेस्ट है एमआई की फ्लैशिंग? एमआई फ्लैश टूल। रीजन क्या है? सर उसमें आईएमआई और बेसमेंट नहीं होता है, और प्लस मैं यूजर का डाटा क्या कर सकता हूँ? यूजर का डाटा हम बचा सकते हैं। अगर मेरा फोन लोगो पे आ रहा है तो एमआई टूल को यूजर का डाटा हम बचा सकते हैं। ये सब प्रैक्टिकल किया था? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं एमआई में। सो एमआई में अब हम बात करेंगे यहाँ पर एमआई के लिए, आइए। सो आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? हिमाचल। आप हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं। अब ये बताओ कि अगर मैं FRP निकालना है, MI अकाउंट निकालना है, तो किस किस टूल का यूज कर सकता हूँ और कौन से मोड से निकलेगा?
EDL मोड से निकलेगा और EDL मोड सर हम EDL केबल से ला सकते हैं या तो फिर टेस्टिंग पॉइंट से ला सकते हैं यहाँ पर। वेरी गुड, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने बताया सारी चीजें। अब हम बात करते हैं सैमसंग। सो सैमसंग के लिए एक बात होता कि सैमसंग में अब मैं आपसे पूछा जा रहा हूँ कि सैमसंग के फोन में बहुत सारी सीपीयू लगे आ सकते हैं। सो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, MTK भी हो सकता है, स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, कौन से सीपीयू के साथ, तो कैसे किस मतलब मेरे पास सैमसंग J7 आया तो वो कौन से मोड में फ्लैश होगा, कैसे पता चलेगा? सर उसकी फाइल से पता लग जाएगा, अगर डॉट टर्म में आ रही है तो वो फ्लैश पे यूज होगा, फ्लैश मोड पे यूज होगा, बिल्कुल डाउनलोड मोड पे। और डाउनलोड मोड का कैसे रहेगा? अच्छा ये बताओ जो नए फोन आ रहे हैं उसको डाउनलोड मोड पे कैसे डालेंगे? जैसे तुम्हारे पास A7 है भाई, तुम्हारे हाथ में A7 है, हमने भी ये भी किया था, कैसे डाउनलोड मोड पे डालना है? सबसे पहले पावर क्योंकि एक ये भी बता दो कि कस्टमर एक लॉक फोन दे सकता है। सर अगर ऐसे लॉक फोन होगा तो सबसे पहले मैं पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को एक साथ दबाऊंगा। हाँ इसको 10 सेकंड दबा के रखना है। हाँ और जैसे ही फोन रिस्टार्ट पे आएगा मैं वॉल्यूम डाउन को हटा के वॉल्यूम अप पे रख दूंगा। वेरी गुड, मतलब इस तरह से हम इसको इससे ये रिकवरी मोड पे आ जाएगा। रिकवरी मोड से फिर हम इसको जैसे ही आया इसको हम पावर ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए तो हम इसको जिग से भी कर सकते हैं फ्लैश मोड में। वेरी गुड, और नॉर्मली हाँ इसको पावर की दबाऊंगा ये पावर ऑफ हो जाएगा। वेरी गुड, अब इसको जिग के साथ इसको फ्लैश में लेके आ सकते हैं। सो नॉर्मली वॉल्यूम अप एंड डाउन के साथ भी इसको हम ला सकते हैं। बहुत सही, इन्होंने बहुत अच्छा बताया। अच्छा ये बताइए कि एक सैमसंग में जो टर्फ फाइल आती है वो किस किस टूल के साथ फ्लैश हो सकती है? सर वो सैमसंग के खुद के टूल के ऑडिन के साथ भी हो सकती है, UMD के साथ, और डायरेक्ट के साथ, जैक्ट्री एक्ट के साथ। अच्छा मुझे यहाँ पे बताओ आप, अगर मुझे बताइए कि सैमसंग में मुझे जो दो फाइल मिल सकती है, दो में से कोई सी भी फर्मवेयर मिल सकती है, कौन कौन सी फाइल में? सिंगल मिल सकती है और एक चार फाइल मिल सकती है। चार फाइल जैसे कौन कौन सी फाइल मिलेगी? और CSE। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर मैं सिंगल फाइल के साथ फ्लैश करूंगा तो मेरा फोन में क्या मतलब क्या फायदा मेरे को? डाटा नहीं जाएगा। और अगर मैं चार फाइल के साथ पूरी फ्लैश कर दिए तो क्या हो जाएगा? डाटा चला जाएगा। सो डाटा बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? सबसे बेस्ट टूल कौन सा हो गया फ्लैशिंग के बाद, अगर सैमसंग की बात करेंगे तो UMD फ्लैश टूल हो गया सबसे बेस्ट टूल। ठीक है बैठ जाओ। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ मोहम्मद चांद, आप कहाँ से आए हो? बहुत दूर से आए हो। आप ये बताइए कि अगर मेरे को एक सैमसंग फोन को रूट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? सर उसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं सर, TWRP प्लस सुपर सू से। तो TWRP क्या चीज होती है? सर रिकवरी फाइल होती है जिससे आपका रिकवरी चेंज हो जाता है। और सुपर सू क्या करता है आपको? सुपर सू रूट करने के लिए यूज करता है। सो ये दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है आ जाइए, इन्हीं के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, हालांकि हम सारे स्टूडेंट को एक एक करके ले रहे हैं यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर जैसे पूछना चाहता हूँ कि सैमसंग में इन्होंने बताया रूट कर सकते हैं, तो रूट करने क्यों करने की जरूरत पड़ेगी? सर रूट सैमसंग जो है वो IMEI अलाउ नहीं करता राइट करना। वेरी गुड, उसके लिए हमको रूट करना पड़ेगा, बैकअप बनाना वो रीड भी नहीं कर सकता, इसलिए हमको क्या करना पड़ सकता है? रूट करना पड़ सकता है। सो इसलिए हमको उसको रूट करना पड़ता है। एक पूरी मैटर पता है आपको रूट करने की? यहाँ पे की थी कि नहीं की थी? किया है। यहाँ पर मैं, मेरे एक नेपाल के स्टूडेंट है। हाँ बताइए, आप थोड़ा और आगे आ जाओ। आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास नेपाल में कंट्री अनलॉक फोन बहुत ज्यादा आते हैं, कंट्री लॉक फोन, सो उस फोन को अनलॉक करने के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं? एक होगा गेट 3S। उसके बाद सैम की कैसे चलाते हैं पूरा तरीका पता है आपको? पूरा तरीका सैम की में क्या क्या क्रेडिट कहाँ से परचेस करना है, टूल कैसे रन करना है, कौन से मोड में कनेक्ट करना है, ये आपको नॉलेज है। और Jack 3X में भी आपको किस तरीके से, मैंने बताया आपको कि किस तरीके से अगर हमारे पास Jack 3X रहा बॉक्स तो हम कंट्री लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज के साथ कंट्री लॉक कर सकते हैं, कौन से? सिम के साथ। तो सिम का जो तरीका है वो भी आपको बताया कि नहीं बताया? ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे दोस्तों देखा आपने, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। और यहाँ पे है मेरे साथ एसर टेलीकॉम के पूरे मेरे स्टूडेंट, और यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना सॉफ्टवेयर बैच। और यहाँ पे हमने चार दिन तरीके से जो हमने मेहनत करके हमने किया हुआ है, जिसमें हमने देखा कि इतने सारे जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बाकी ये 15 दिन में और 20 दिन में भी नहीं मिल सकते हैं। सो ये क्या 1 घंटे की क्लास में करते हैं क्या? नहीं करते। यहाँ पे कुछ कॉपी किताब पेन लाए हो क्या? हाँ देखा जरा, नहीं आया है? नहीं तो बहुत से लोगों को लगता है कि थ्योरी होती है। थ्योरी क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं यहाँ पे। और जबकि आपको बैकअप में PDF देके रखा हुआ है, वो आपको प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? सर PDF में तो आपने तो लिंक भी देके रखी हुई है सर, वो तो आप किसी अंधे को PDF दे दोगे तो वो भी सीख जाएगा क्या? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और यहीं पे मैं आप समाप्त करना चाहता हूँ वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और
आप हमारा अगर आपको यहाँ पे पढ़ने आना है तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कॉल नहीं उठाया जा रहा है तो रीजन क्या है एक बार थोड़ा बता दो। क्या सर कि बिजी सर हमेशा बिजी रहते हैं सर। बिजी रहते हैं और यहाँ पर कुछ 10-15 आंटियां तो नहीं बिठा के रखी है? पक्का हमारा क्लास चलता है सर, इसमें डिस्टर्ब ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें से कितने लोग हैं जो मेरे को एक दो महीने से कॉल कर रहे हैं और जिनका नहीं लगा जो अभी आए यहाँ पर? एक बार खड़े होकर बोलो क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे से ये रहता है कि सर आपको कॉल लगाते हैं कॉल नहीं उठाते हैं ये वो है, बताओ। मैं जुलाई से ट्राई कर रहा हूँ, जुलाई से मेरा कॉल नहीं लगा, जाके मेरा कॉल लगा जनवरी में, जनवरी में बैच मेरा फुल हुआ था तो मुझे फरवरी का 28 को बैच मिला। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉल नंबर बिजी रहता है। मैं सच बताऊँ यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया आपके साथ में कि क्या मैंने आपको फोन करके बुलाया हुआ है क्या? नहीं नहीं सर, मैं आपको से ट्राई कर रहा था लेकिन उस टाइम पे बैच फुल हो चुका था। आप थोड़ा सा कंपेयर करो कि अगर मैं आपका एक ही बार कॉल उठाता और मैं आपको 50 कॉल लगाता क्या हुआ? मैं किसी और इंस्टीट्यूट में इससे पहले जा चुका हूँ। हाँ। तो उन्होंने जो प्राइस बताया था पहले तो वो ड्रॉप करके बताते रहे, मुझे उनका ठीक नहीं लगा। मतलब उन्होंने जो प्राइस बताया मैसेज कर रहे हैं कि आप आ जाइए यहाँ पे ऑफर बताते रहते हैं। ऑफर यहाँ मुझे बार बार कॉल करके कहना पड़ा कि मुझे आना है सीट लेना है उसके लिए काफी अप्लाई कर। आप उस उन स्टूडेंट को थोड़ा सा क्या चीज बोलना चाहोगे जो थोड़ा नाराज हो जाते हैं, जो कमेंट लिख देते हैं, जो मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर आप कॉल नहीं उठाते हो, सर हम आना चाहते हैं, उनको क्या आप बोलना चाहोगे थोड़ा सा? फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे थोड़ा सिस्टम सर का बिजी रहता है इसलिए सर कॉल नहीं उठाते, लेकिन एक बार अगर आपको वो सीट मिल जाएगी जब तो आप यहाँ आओगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सर, किस तरीके से क्लासेस लग रही है। तो आपने पर्सनली आप तो पहली बार है, यू आर द फर्स्ट टाइम है ना? बिल्कुल नया हूँ। बिल्कुल, लेकिन अभी मुझ में काफी कॉन्फिडेंट आ चुका है। मतलब आपने पहली बार में आप अपनी शॉप में काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बताइए सर एक्चुअली क्या है सर, आप फोन नहीं उठाते सर नर्वस हो जाते सर कि हम जाएंगे वहाँ फंस सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे आने के बाद फिर सब सही हो जाता है। सब सही हो जाता है। सो मेरे पास में मैं कभी फोन आपसे देखा आपने? मैं भी पहले सर नर्वस था कि यहाँ पैसा फंस जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मगर सर आप बिजी रहते इसलिए नहीं फोन उठाते। और अगर सच बताओ अगर मैं 10-15 आईएनटीआर रख देता तो फिर मेरे को 10-15 बैच पढ़ाने पड़ते। सो वो तो उसके लिए तो मैं 10-15 लोगों को फिर मुझे रखना पड़ता, सो फिर वो जो पढ़ा रहे होते हैं फिर मेरे पढ़ाने में अंतर तो होता ना क्या? मेरे से एक चीज और है, मैं एक चीज तो मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं सर ब्रांचेस खोल दो ब्रांचेस खोल दो, मेरी ब्रांचेस खोल दो एशिया टेलीकॉम के, तो क्या ब्रांचेस मुझे खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? रीजन बताइए। इस तरीके से आप पढ़ाते सर दूसरे नहीं पढ़ा सकते, इम्पॉसिबल। अगर मैं उसको पूरी टेक्निक भी बता दूं तो पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं सर, जिस तरीके से डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाते और जो एनर्जी आप पुट करते सर वो इम्पॉसिबल है कोई पुट कर। तो वही रीजन है लोग मेरे से पूछते हैं सर ब्रांचेस आपकी है कि नहीं है। भाई मेरे पास अगर मेरा वीडियो देख के आ रहे हो तो फिर पढ़ो ही मत, या तो मेरे से पढ़ो या तो फिर कहीं नहीं पढ़ो, या तो किसी भी इंस्टीट्यूट चले जाओ उसको एशिया टेलीकॉम ही समझ लो। ब्रांच खोल देंगे तो दूसरे पे उतना भरोसा भी नहीं करते आपके जैसा सर पढ़ा सकते, क्योंकि आप जो मेरे को फॉलो कर रहे हो ना उसको तो फॉलो नहीं कर रहे ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर मैं जाते जाते और एक बिल्कुल शेर वाली, अच्छा दंगल में अगर तुम एक जानवर हो तुम कौन सा जानवर समझते हो अपने आप को? शेर समझते हो? सब लोग शेर समझते हैं क्या जंगल में? कोई यहाँ पर बंदर तो नहीं है ना यहाँ पर? तो शेर की दहाड़ क्या होती है? 1.5 किलोमीटर तक आती है ना। तो यहाँ पे हम दहाड़ के साथ में यहाँ पे एक साथ में क्या बोलेंगे बताइए? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है दिल से कह रहे हो? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा। और मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले, मतलब हम बोल रहे सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं बोलने के लिए, मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सर ये नहीं बोलते हाँ तुम्हें बोलना है कैमरे पे ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, कोई हम पे प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं बोलेंगे। मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया एशिया टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं? सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि
मैं एक अच्छा सा स्वाद डाल सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लूँ कि मैं हर एक पॉइंट को फॉलो कर सकता। यहाँ पर आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सके मतलब इसके अंदर। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, अब है जो मैंने। अच्छा ये सर सुना था। ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर। जो कल नए बच्चे जो आए थे? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज़्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, वो जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? Amansen 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.